मैं अमर राजा आपके समक्ष वर्कशीट संख्या 13 कक्षा 10 का गणित का लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 4 अगस्त 2021 के लिए है। इसमें हम परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण सीखेंगे। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? आपको पहले से पता है जो कि परिमेय संख्या वे संख्या जो जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू कोई पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये पी और क्यू कोई भी पूर्णांक यानी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्यू जो नीचे है डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होगा, तो उसको कहते हैं परिमेय संख्या। अब जैसे उदाहरण के लिए आपके पास दिया गया है ये -2/5, 0, 1/7। अब कोई बच्चा पूछ सकता है जीरो परिमेय संख्या है क्या? यहाँ पे जैसे लिखा तो हाँ 0/1 लिखा जा सकता है, किसी के नीचे एक लिख दिया तो ये पी बाई क्यू के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या है। -3 भी परिमेय संख्या, -3/1 लिखा जा सकता है। 4 एक परिमेय संख्या क्योंकि 4/1 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे अब बात आती है दशमलव प्रसार या दशमलव का निरूपण का अर्थ क्या होता है। तो दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण का अर्थ होता है संख्याओं को दशमलव के रूप में दर्शाना। संख्याओं को दशमलव के रूप में दर्शाने को ही दशमलव प्रसार या दशमलव का निरूपण कर। इसको निकालने के लिए दो तरीके, भाग देकर और बिना भाग देकर दिए। भाग देकर के टाइम टेकिंग है, समय लगता है, और बिना भाग दिए यदि आपको नियम पता है तो आप बिना भाग दिए भी उसको निकाल सकते हैं, जिससे आपको समय बचता है और आसानी से उत्तर दिया जा सकता है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार का रूप कैसा होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार का रूप होता है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, दशमलव का रूप होता है ये जो एक तो शांत होता है और एक होता है अशांत और आवर्ती, ये दोनों परिमेय संख्या का ही दशमलव रूप होता है। दोनों को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, शांत दशमलव प्रसार या अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का रूप है। अब कब शांत होता है कब अशांत होता है ये बात आती है। जहाँ देखिए जब पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है तो क्यू या तो दो के रूप में हो, दो कितनी बार भी हो सकता है, या 5 के रूप में हो, दो या 5 दोनों हो, 2n और इसका पावर m यानी अलग अलग पावर हो सकता है, या तो सिर्फ 2 के रूप में रहे अभाज्य गुणनफल के रूप में जब लिखेंगे नीचे वाले को हर को, तो या तो 2 के रूप में आए या 5 के रूप में आए, या 2 या 5 दोनों के मल्टीपल के रूप में आए, ये अलग अलग हो सकता है ऊपर, तो वो शांत होगा। शांत का दशमलव प्रसार जब हर क्यू का पावर एन और इंटू 5 का पावर एम, जहाँ एन और एम शून्येतर पूर्णांक यानी शून्य से ऊपर का पूर्णांक हो, तो ये शांत होगा। और अशांत क्या कब होगा? जब क्यू इसके रूप में नहीं हो यानी उसके अलावा कोई और संख्या हो, लेकिन ऊपर से विभाजित यदि हो जाता है तो फिर शांत होगा। यानी नीचे यदि रहे 3 आए और 2 का पावर 5 आए, 3 का पावर और 5 का पावर 2 आए, तो 3 यदि ऊपर वाले से कट जाएगा यानी 21 है, तो ये 3 कट गया तो 7 बचा। तो जब सिंपलेस्ट रूप में लिखेंगे तो सिर्फ ऐसा बचे 2 का पावर या 5 का पावर या दोनों का पावर कुछ ना कुछ हो, तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ भी किसी का भी गुणन अभाज्य गुणनफल आए तो वो जो होगा अशांत होगा और आवर्ती होगा। ठीक है,
और एक बात और ध्यान रखें, जब यहाँ पे कई बार पूछा जाता है, जैसे 21 और 2 का पावर 5 है और इनटू 5 का पावर 3 है, तो ये इसमें से ये कितने अंक बाद शांत होगा, तो ध्यान देंगे 2 का पावर कितना है और 5 का पावर कितना, 2 और 5 के ही पावर में है तो शांत तो होगा, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर किसका है, 2 का पावर 5 है, हाईएस्ट घात जो होगा, सबसे ज़्यादा घात जो भी होगा उतने अंक बाद शांत होगा, ये ध्यान रखें। तो ये 5 अंक बाद शांत होगा ऐसा पूछा जाता है। तो बिना भाग दिए हुए दशमलव का प्रसार, जैसे ये 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में लिखना है। अब जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है 2/5, तो 2/5 नीचे 10 बनाएंगे दशमलव रूप में, तो 5 है तो 5 को 2 से गुना करना पड़ेगा तभी 10 होगा, जिससे ऊपर और मतलब 2 से गुना किए तो ऊपर और नीचे गुना करेंगे तो ये तुल्य भिन्न हो जाएगा समान संख्या से, तो ये 2/5 बराबर 4/10 हो गया, यानी 0.4 आया, दशमलव 4 आया। तो ये हो गया इसका बिना भाग दिए हुए। और 2/8 यानी 2 का पावर 3 है, 8 को हम 2 का पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, तो 5 का 3 यदि गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, जोड़ा बन जाएगा ना, 10 का जोड़ा बनता है, तो 10 का पावर 3 और जिससे ऊपर किए नीचे किए उतने से ही ऊपर करते हैं, तो 5 का पावर 4 हो गया, तो यानी 625/1000, तो ये हो गया आपका 0.625। तो ये तो शांत था, और अशांत में 10/3 है, यानी क्या होता है बार बार 10 को 3 से यदि भाग देंगे तो 3 × 9 आएगा, 3 × 9 एक आया, फिर दशमलव डालेंगे, फिर 3 × 9, तो इस तरह से दशमलव 3.333 जिसको हम लिख सक, ये डॉट 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 बढ़ता जाएगा, तो 3.3 के ऊपर में बार लगाते हैं, इसका मतलब होता है रिपीट हो रहा है वो संख्या। अब 1/7 है, जैसे तो 1/7 में देख रहे हैं 1, 2, 4, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7 चलता जा रहा है, तो यानी 1, 4, 2, 8, 5, 7 के ऊपर बार लग गया, यानी ये रिपीट हो रही है संख्या। अब यहाँ पे दिया हुआ है शांत दशमलव प्रसार। मान लीजिए x बराबर में p/q, जहाँ q जीरो नहीं है, q का अभाज्य गुणनखंड 2 का n 5 के n के रूप में है, जहाँ n और m शून्येतर पूर्णांक है, x का मान शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी 2 और 5 के रूप में ही सिर्फ हो तो वह शांत होगा। यदि केवल हर में 2 या 5 हो तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा, सिर्फ 2 का पावर 2 रहे 5 रहे तो भी शांत होगा, क्योंकि 5 का पावर यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यदि 2 का पावर 3 है तो यहाँ 5 का पावर 0, तो किसी भी संख्या को पावर 0 होता है तो उसका मतलब होता है 1, तो इसके रूप में भी रखा जा सकता है 2 का पावर 0 5 का पावर m या 2 का पावर n 5 का पावर 0। कहने का मतलब ये है जो कि या तो 2 का ही या 5 का ही गुण हर में केवल 2 या 5 ही हो तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक। और अशांत और आवर्ती के लिए यदि q 2 का पावर n 5 के पावर m के रूप में रूप का नहीं हो, उसके अलावा कोई और भी संख्या हो, तो वो दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। ये नहीं हो, इसके अलावा कोई और संख्या हो, या ये भी हो और उसके साथ कोई और भी संख्या हो, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 9 इस तरह की कोई भी संख्या हो तो अशांत और आवर्ती होगा। अब लंबी विभाजन का प्रयोग किए बिना ये बताइए, जो कि 15/6 1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं। देखिए दशमलव प्रसार यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 100 है, सॉरी ऊपर में 15 था और नीचे में 1600 है, तो इसको लिखेंगे 16 × 100, तो 100 तो 10 का स्क्वायर है, यानी 5 और 2 तो है ही। अब 16 में क्या है, 16 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो गया आपका 15 और
ये हो जाएगा 16 जो है आपका, दो गुने दो, दो दुनी चार, दुनी आठ, दुनी सोलह, और 100 तो है ही इसमें, दो और पाँच और एक और दो पाँच चाहिए, तभी 100 होगा, 5 दुनी 10, 5 दुनी 10, तो ये सिर्फ दो का ही गुणनफल है, दो और पाँच का ही रूप में, दो कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 5 दो बार, तो ये 5 दो बार आया यहाँ पे, 5 दो बार आया, और आया आपका 2 6 बार, लेकिन ऊपर में 15 था, तो ऊपर में 15 था तो 1 5 से कट जाएगा, तो ये 5 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, तो इस तरह से आया 2 का पावर 6 और 5 का पावर 1। तो यहाँ पे ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है, 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में आ गया, तो ये शांत होगा। अब ये भी बात आएगी कितने अंक तक ये दशमलव प्रसार होगा, तो इसमें किस 2 का पावर 6 है तो 6 अंक बाद शांत होगा, जो हाईएस्ट घात हो उतने अंक बाद शांत होगा, ठीक है। अब स्वयं प्रयास कीजिए, इसमें हमेशा की तरह आपको सवाल दिए जाते हैं प्रश्न। अब कहता है ये, तो इसको ध्यान दीजिए, 100 तो है ही, तो 100 को छोड़ दें, यानी 9, 8, 7 और नीचे में 100 और गुने 105 है, तो 105 क्या होता है, 15 7 105, तो यानी 7 और 5 और 3 ये होता है। तो अब देखिए 3 से ये जा रहा है, 3 3 9 और 3 2 6 और 2 5 7 या 9 3 27। अब 7 से जा रहा है क्या, 7 7 5 7 4 28 4 28 4 32 4 पर 9 7 7 49, ये 47/100 5 × 100 बचा, इस तरह से आए, यानी अब ये 5 का ही रूप है, तो इसको लिख सकते हैं 47 और 5, इसमें से 5 ये था और ये हो गया आपका 5 × 2 यानी 5 × 5 और 2 × 2 10 के लिए, मतलब 5 × 10, 5 × 10 100 के लिए चाहिए, तो 5 का पावर 3 और 2 का पावर 2, तो ये 47/100 हो गया 5 का पावर 3 और 2 का पावर 2, तो ये क्या है, 5 का पावर m और 2 का पावर n के रूप में लिखा जा रहा है, तो ये शांत होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार आप देखें इसका प्रसार कह रहा है कितने अंक बाद शांत होगा, तो ये देखिए पहले 153 है और पहले 400 मतलब 10 है, तो इसको लिख सकते हैं 9 5 45 होता है, 9 × 5 और × 10 है, तो 9 5 45 हुआ, तो 9 से क्या ये तो 5 के और 2 के रूप में लिखा जा सकता है, 9 क्या कट रहा है ये देखें इसको, 17 9 153 होता है, तो 17 से कट रहा है, तो ये ऊपर में लिखा हो गया 17 और नीचे में हो गया 5 और 5, इधर एक इधर भी आ जाएगा 5 और 5 × 10 में 1 5 आ जाएगा, 5 और 2 ये हो गया, यानी 5 का पावर 2 हो गया, इसको लिख सकते हैं, और 17/5 का पावर 2 और गुने 2 का पावर 1, तो ये कितने इसमें घात सबसे ज़्यादा किसका है, ये तो शांत होगा, सबसे ज़्यादा घात 5 का पावर 2 है, 2 है, तो 2 अंक बाद शांत होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार कह रहा है जो कि ये देखिए 337/2 का 5 और 5 का पावर 2, तो ये कितने अंक बाद शांत होगा, तो 2 अधिकतम घात क्या है, सिर्फ 2 और 5 के घात के रूप में है नीचे हर, तो अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम घात क्या है, 2 का पावर 5 यानी 2 का घात 5, तो 5 अंक बाद ये शांत होगा, तो लिखेंगे दशमलव का 5 अंक स्थान तक, 5 अंक मतलब 5 दशमलव स्थान तक ये जाएगा, ठीक है। ये था आज का वर्कशीट, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।